लेकिन अगर प्रॉपर्टी या गार्जियनशिप का हो तो ये एज 21 साल मानी जाती है। फिर मैंने आपको माइनर की पोजीशन बताई थी कि माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, है ना। केस बताया था इसमें मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का, आपको केस ध्यान है? यस सर। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है या कह सकता है कि मैं क्या हूं, माइनर हूं, कमिटमेंट से बिल्कुल पीछे हट सकता है। फिर मैंने आपको बताया था अगर उसने एज का गलत रिप्रेजेंटेशन किया है तो कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन, जो माइनर के पास होगा वही दिलवाया जा सकेगा। फिर मैंने आपको बताया था माइनर मेजोरिटी अटेंड करने पर भी माइनॉरिटी के दिए गए काम को या उस समय किए गए काम को रेटिफाई या अप्रूव नहीं कर सकता। जैसे अगर मेरी उम्र अभी 17 साल 11 महीने 29 दिन है तो अभी अगर मैं कोई एग्रीमेंट बनाकर ये बोलूं कि बस एक दिन में मैं मेजर हो जाऊंगा और कंप्लीट कर दूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको समझ आया था कि नहीं इतना? सर सभी लोगों को यस मतलब बताओ, आप हाँ हैंड रेस करके मुझे बता सकते हो आपको समझ आया था कि नहीं। नेक्स्ट माइनर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया किसी भी सिचुएशन में माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, उसको एडमिट किया जाता है किस लिए, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स देने के लिए, और ऐसे माइनर को बेनिफिशियरी बोलते हैं, पार्टनर नहीं बोलते हैं। आपको इतना क्लैरिटी होगी मुझे ऐसा लगता है और इसमें तकलीफ नहीं गई होगी। अब अगली पोजीशन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ एन अग्रीमेंट इज जॉइंटली मेड with a major and a minor, it shall be enforceable against। अगर एक agreement major और minor दोनों के साथ बना है तो किसके against enforceable होगा बताओ, किसके ऊपर आप केस कर सकते हो? Major, 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 and not against माइनर। इसमें तकलीफ है, पोजीशन की समझ आ गई, बताइए। क्लियर है सर? नेक्स्ट पोजीशन सवाल है आपसे, आप जवाब देंगे। क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? नो सर। यस नो सर। यस सर। भाई बोलिए, या तो हाँ या तो ना, बताओ सर। जब तक बेनिफिट्स मिलेगा कंपनी को तब तक वो हो सकता है। जनरली परचेज ऑफ शेयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है गलत बात है? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देयरफॉर अ माइनर कैन नॉट बी शेयर होल्डर, ये भी सही बात है? सही बात है। अब आगे बोलना, मैं जो बोलूंगा उस बात को अच्छे समझना। हाउ एवर However, minor can become shareholder if AOA permits so. AOA मतलब सर कोई एसोसिएशन का नाम है क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक। ओके सर। ठीक, माइनर शेयर होल्डर हो सकता है अगर आर्टिकल में परमिशन हो। सेकंड, शेयर्स आर फुल्ली पेड बाय कैपेबल पर्सन एंड आर ट्रांसफर्ड टू माइनर। ध्यान से सुनो, नॉर्मली एक माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता। हाउएवर अगर आर्टिकल में परमिट किया गया है कि माइनर को शेयर होल्डर बना सकोगे और शेयर ऐसे जो फुली पेड है, मतलब उसका पैसा पे हो गया है, किसने पे किया? कैपेबल पर्सन ने, और पे करके ये शेयर्स किसके नाम ट्रांसफर कर दिए? माइनर। तो माइनर होल्डर। तो इससे आपको ये याद रखना है, माइनर कैन बी शेयर होल्डर बट
ऑनरी एज ट्रांसफरी, क्या ट्रांसफरी ऑफ फुली पेड अप शेयर्स, अगर उसको फुल पेड शेयर जिसका पैसा ऑलरेडी पेड है, अगर ऐसे शेयर माइनर के नाम कर दिए जाएं तो माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकता। कितना क्लैरिटी है? यस सर, है सर क्लैरिटी, समझ आ गया? डायरेक्टली नहीं खरीद सकता, कोई दूसरा पेमेंट कर दे और उसके नाम शेयर कर दे तो हो सकता है, ये ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है? देन टोटल 10 पोजीशन पढ़नी है, 7 बता दिया आपको मैं, 8वीं अरे यार व्हाट इज दिस यार, 8वीं पोजीशन सुनो, माइनर एज एजेंट, आप बताओ। नहीं हो सकता सर। एजेंट कौन होता है? जो पार्टिसिपेट करता हो एक दूसरे के एजेंट, एग्जांपल पार्टनरशिप में। एजेंट मतलब होता है जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे तो आप एजेंट हो और मैं आपका प्रिंसिपल हूँ। कौन हूँ? प्रिंसिपल। एचपी की गैस एजेंसी देते हैं तो हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एचपी गैस वाले को, सही बात है? सही बात। तो भाई जो रिप्रेजेंट करता है, हु रिप्रेजेंट्स, उसको एजेंट बोलते हैं, और हु गेट्स रिप्रेजेंटेड वो कौन होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अब ना सुनना अपनी बात को, अगर एजेंट कुछ भी गड़बड़ करेगा ना बेटा तो उसके लिए प्रिंसिपल फंसता है। एजेंट कुछ भी करेगा तो उसके लिए कौन फंसेगा? प्रिंसिपल। जैसे मेरी एक कोचिंग है, मैंने एक फीस कलेक्शन के लिए बंदे को बिठाया है, आप सबसे फीस कलेक्ट करता है स्विट्जरलैंड भाग जाता है, तो आप उसको पकड़ोगे कि मेरे को पकड़ोगे? आपको पकड़ेगा सर। क्यों? आपको क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल हो सर। प्रिंसिपल हो बस। तो अब यहाँ पे ना एक रूल याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, माइनर कैन बी एजेंट, माइनर किसी का एजेंट हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी गलत करेगा तो फंसेगा कौन? प्रिंसिपल। बट कैन नॉट बी प्रिंसिपल। माइनर किसी का एजेंट हो सकता है पर खुद किसी का प्रिंसिपल नहीं हो सकता, बात ध्यान रहेगी? यस। अच्छे से क्लियर है? कुछ पूछना है, डाउट है क्या? नहीं है सर अभी तो। क्लियर है? चलो अगली पोजीशन सुनो और ध्यान रखना, ये हो गई अगली पोजीशन जो बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाना, इसमें अलग से भी क्वेश्चन आते हैं। ये पोजीशन है क्लेम फॉर नेसेसरीज की, सेक्शन लिख रहा हूँ, सेक्शन सही याद रखना, अलग से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये है सेक्शन 68। कौन सा सेक्शन? 68। नेसेसरीज का मतलब होता है बेसिक सर्विसेस, बेसिक सर्विसेस मतलब होता है फूड, क्लोथ, शेल्टर, एडुकेशन, गर्ल्स के केस में मैरिज भी आता है, ठीक है, हेल्थ, ये सब नेसेसरी में आता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छे समझना, इफ एनी पर्सन हैज सप्लाइड नेसेसरीज क्या होता है ये तो समझ आ गया ना? यस सर। इफ एनी पर्सन हैज सप्लाइड नेसेसरी टू द माइनर देन इट शैल बी रिकवरेबल, जो नेसेसरी का पैसा है वो रिकवरेबल है फ्रॉम, ध्यान से यहीं पे बात को समझ देना, माइनर्स प्रॉपर्टी ऑब्लिक एस्टेट, एंड नॉट फ्रॉम माइनर पर्सनली। ये ना एकदम आपके दिमाग में बैठ जाने वाली बात होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए आप इससे बना लोगे, ठीक
ठीक है, माइनर को यदि नेसेसरी सप्लाई की गई है तो इसका जो भी पैसा बनता है वो माइनर की प्रॉपर्टी में से रिकवर किया जाता है, माइनर से पर्सनली आप नहीं मान सकते। तो अगर किसी बच्चे के पैर में चोट लग गई, मैंने डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाया, तो माइनर को मैं पर्सनली नहीं बोल सकता कि तू मुझे लाके पैसे दे, ये पैसा उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवरेबल होगा। और सर अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं हुई तो क्या, तो फिर उसके 21 साल के होने पर कोर्ट ऑर्डर से जितना आपका पैसा बनता है वो आपको दिलवाया जाएगा, प्रोवाइडेड वो बेसिक सर्विसेज में आता हो। आप बताओ सर, हाँ बोलो सर, लेकिन जो माइनर करता है उसके लिए जब वो मेजर बन जाते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये भी तक रूल था ना सर? नहीं तो माइनर कुछ कर ही नहीं रहा है ना, हम उसके लिए कुछ करें? अब कोई बच्चा अनाथ है, उसके बहुत सारी जमीन जायदाद है, मैं उसकी सेवा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, अभी उसके जेब से खर्चा किया, अपने जेब से खर्चा किया, तो वन साइडेड काम कर रहा हूं मैं। तो कोर्ट इसमें बोलता है कि आपका जो भी बिल बनता है आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करिए, पर्सनली मत मांगिए क्योंकि वो तो वॉइड है, पर्सनली मांगा ही नहीं जा सकता उससे। बात समझ में आई सर? तो ऑर्फनेजेस के केसेस में क्या होता है? क्या चीज ऑर्फनेजेस? चैरिटेबल ऑर्फनेजेस तो थे, ट्रस्ट के फॉर्म में होते हैं, वो जो पैसा आता है वो डोनेटर्स की तरफ से, ट्रस्ट के जो डोनेशन देते हैं उनकी तरफ से आता है, तो वहां तो फ्री में ही संभाला जाता है, उसकी कोई बिलिंग नहीं होती है। कुछ सरकारी ऑर्फनेज होते हैं वो अपना बिल उठा के किसको सब दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। सही बात है गलत बात है ये बताओ? सही बात है सर, मींस इस केस में 21 इयर्स के बाद उससे पैसा नहीं लेंगे। इस केस में ऐसा है कि एक ऐसा माइनर है जिसका कोई नहीं आगे पीछे, मैं ही उसका सबसे क्लोज हूँ, ठीक है, मैं अगर उसके लिए कुछ करता हूँ तो उसकी अगर कुछ जायदाद वायदाद है तो उससे मैं लीगली उतना रुपए क्लेम कर सकता हूँ बाय लॉ, जितनी मेरा बनता है। जैसे उसकी एजुकेशन मैंने क्लास 1 से लेकर 12th तक उसको पढ़ाया, उसका सब मेरे पास रसीद है, करीबन 1,00,000 रुपए बनता है। अब इस माइनर के नाम पे करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैं उस प्रॉपर्टी में से उतना अमाउंट अपना ले सकता हूँ, इस माइनर से पर्सनली नहीं मांगूंगा। बात समझ में आई? ओके क्लियर है अच्छे से कि डाउट है? बोलो 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 ना सर। हम लोग इसी में पढ़े थे एक पोजीशन की, माइनर 21 के एज तक कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं। हाँ हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। सही बोल रहे, माइनर को प्रॉपर्टी 21 साल की उम्र में मिलती है ना? हाँ सर। ना तो उसके पहले जो होते हैं ना ट्रस्टीज होते हैं जो प्रॉपर्टीज को संभालते हैं, कौन होते हैं? ट्रस्टीज। तो मैं क्या करूंगा, अपना बिल ले जाकर ट्रस्टी को पकड़ा दूंगा कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, ठीक है, अगर मैंने माइनर के लिए कुछ खर्चा किया है। क्लियर है? यस सर। आपको नेसेसरीज अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, आप ये बताओ मेरे को। सर पॉइंट नंबर 6 कैसे बताओ? कौन सा? आवाज नहीं आ रही बेटा, कौन सा पॉइंट? सर 6। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है, पीछे जाना है ये। मेजर और माइनर के साथ आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो, सपोज करो मेरी है 14 साल है और सौरभ सर की है 21 साल है, आपने मेरे को कुछ पैसे उधार दिए, कुछ सौरभ सर को दिए, तो आप किससे रिकवर कर सकते हो किससे नहीं कर सकते बताओ? सर मेजर। सौरभ सर से कर सकते हैं, उनकी एज 21 साल है, मेरे से नहीं कर सकते क्योंकि मेरी 15 साल है। तो एक एग्रीमेंट अगर मेजर और माइनर दोनों के साथ बना रहे हो तो मेजर के अगेंस्ट तो एनफोर्सेबल होगा और माइनर से कुछ रिकवर नहीं हो सकता, नॉन एनफोर्सेबल होगा, ठीक है। बात समझ आई हाँ या ना? यस सर। सर एक और डाउट था। हाँ बोलो सर। पॉइंट 9 में जैसे बेसिक सर्विसेज में मैरिज भी लिखा है सर, जब मैरिज तो मेजर की होगी ना? ये गर्ल्स के लिए है पॉइंट, केवल ये लॉ में डाला गया है। क्या पहले गर्ल्स की शादी की 16 साल हुआ करती थी ना, उसको बाद में 18 साल किया गया है, तो ये पॉइंट रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। कोर्ट से की लॉ से सर? यार लॉ से बोल रहा हूं मैं, ओके, ये रूल आज भी है, ठीक है, समझ गए? yes. चलो आखिरी पॉइंट तुम्हारे लिए लिखते हैं और ये बताना समझ आएगा कि नहीं। और तुमसे मेरा एक सवाल भी है, जैसे इतने दिन से तुम पढ़ रहे हो माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट नॉन एनफोर्सेबल है, वॉइड है, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मैं? यही सही बोल रहा हूँ सर। अब तो यार सर ये वॉइड है तो टीवी सीरियलों में बच्चे कैसे आते हैं, ये भी तो एक सवाल। उनके मैनेजर
कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे पेरेंट्स या मैनेजर? वही सर, मैनेजर। नॉर्मली रूल ये बोलता है कि इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर द माइनर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके फायदे के लिए है, माइनर के लिए, देन इट कैन बी एंटर्ड बाय गार्जियन। कौन एंटर कर सकते हैं? गार्जियन। जैसे टीवी शोज में बच्चे आते हैं तो जो प्रोडक्शन हाउस है उनका कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन या पेरेंट्स के साथ बनता है। कल को बच्चा भाग गया या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो फंसेगा कौन? पेरेंट, गार्जियन। बात समझ आएगी? सिर के ऊपर से गई समझ में आई सर। अब दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, समझ लो। एक तो कोई भी वैल्यू बेस उठा के पूछ देगा किसी एक पोजीशन को, दूसरा मोहिरी भी धर्मोदास घोष का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो एकदम अच्छे से रटा जाना चाहिए आपको। सर ये है, इसकी आज मैं आपको ऑफर एक्सेप्टेंस वाली शीट भेजूंगा क्वेश्चन आंसर की, फिर कैपेसिटी की भेजूंगा। इस सैटरडे को ऑफर एक्सेप्टेंस और कैपेसिटी का टेस्ट दे देना, ठीक है? बन जाएगा? हाँ सर, टेस्ट के मार्क्स नहीं आए सर। एक एक करके चेक कर रहा हूँ बेटा, कल 3-4 बच्चों का किया, उनको भेजा हूँ, ठीक है? जिसका जिसका आया ना मेरे पास, मैं फोटो खींच खींच के भेजता भी जा रहा हूँ चेक करके। देखो मैक्सिमम बच्चों ने बहुत अच्छा ही आंसर लिखा है, मैं इसका एक मॉडल भी भेज दूंगा, ठीक है? यस सर, मतलब 5 में 5 मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कॉपी चेक करके भेज दूंगा, ठीक है? धीरे धीरे कर रहा हूँ, 2-3 दिन लगेगा क्योंकि बहुत सारा पाइलअप है मेरे पास, तो रोज रोज जिसका जिसका होता जाएगा सबको मैसेज आता जाएगा। कल मैंने अचीरा का कर दिया था, प्रयास का, और किसका किसका किया है, नारायण की कॉपी हो गई ना कल, मेरा नहीं हुआ। कृष्णा की मेरा नहीं हुआ, प्रयास की, नारायण की हो गई है, कृष्णा की कॉपी हो गई, मेरे को जितना ध्यान है अर्पिता की कॉपी हो गई है ना? यस सर। चलो ठीक है, ऐसी रोज भेजता जाऊंगा मैं चिंता। सारे एक बार वो केस और बता दो ना, कौन सा वो 0.5 में जो बताए थे ना, 0.5 में केस कहाँ बताया? ये पार्टनरशिप में बोल रहा है? देखो मोहिनी बीबी वाला एक केस था ना, मोहिनी बीबी मनी लॉन्डर थी, उसने ना अपने पड़ोसी धर्मोदास घोष को पैसे दे दिए, वो लौटा नहीं रहा था, ये कोर्ट में केस करी तो पता लगा धर्मोदास घोष माइनर है, तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया आपको देखकर पैसा देना था, अब ये नॉन एनफोर्सेबल है, अब हम आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। ओके सर, तो ये बात प्रूफ होती है कि माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड होते हैं, ध्यान रहेगा? यस सर। चलो तो आपने पूरा माइनर खत्म कर दिया, माइनर के बारे में केवल इतना पढ़ा जाता है, अब आप आ जाइए अनसाउंड माइनर। बोलो, बोलते जाओ। हम लोग पढ़े कि अगर माइनर और मेजर का कॉन्ट्रैक्ट होगा और लोन वाला हुआ कुछ भी, तो माइनर को पैसा देना नहीं पड़ेगा सर, मतलब मेजर रिकवर नहीं कर सकता माइनर से, एनफोर्सेबल नहीं है। हाँ बोलो। हाँ सर, तो माइनर और माइनर का ही आपस में डीलिंग और दोनों में से कोई एक लोन ले लिया, हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एक दूसरे से दिए ना। हाँ सर। हाँ तो नॉन एनफोर्सेबल है ना, कोर्ट भगा देगा दोनों, दोनों ही माइनर, ठीक है? वैलिडिटी नहीं है कानून की नजरों में। स्टैंप पेपर देने जाओगे, स्टैंप पेपर ही नहीं मिलेगा तो क्या कर दोगे? बात समझ आई? सर स्टैंप पेपर लेने के लिए क्या दिखाना पड़ता है प्रूफ के नाम पे? कुछ नहीं दिखाना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस बताना होता है, आधार दिखाना पड़ता है, रजिस्टर में नोट करता है वहां पे, है ना? अब आ जाओ तुम अनसाउंड माइंड पे, ध्यान से सुनना, माइनर पूरा खत्म हो गया। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है आप बताओ, क्या होना चाहिए अनसाउंड माइंड का मतलब? ड्रंक, ट्रॉमा, अंडर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एटसेट्रा, मेंटली डिस्टर्ब। अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ उस बात को याद रखना, अ पर्सन हु कैन नॉट मेक रेशनल जजमेंट, रेशनल मतलब होता है लॉजिकल, एक ऐसा पर्सन जो लॉजिकल जजमेंट नहीं कर सकता उसे अनसाउंड माइंड बोलते हैं। जैसे जब मैं आपको कोई बात बोलता हूं तो आपको डाउट निकलते हैं, आप समझते हो बात को, फिर आप उससे पूछते हो, इसे रेशनल जजमेंट देना बोलते हैं।
तो अगर आप साउंड माइंड के हो तो आपको लॉजिक से समझ आते हैं, कंसेप्ट समझ आते हैं। तो अनसाउंड माइंड वो होता है जो जजमेंट नहीं ले पाता, रेशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से चीजों को समझ नहीं पाता। कितना क्लियर है ये बताओ अनसाउंड माइंड का मतलब? क्लियर है? यस सर। इसका लीगल इंपैक्ट क्या आना चाहिए? आवाज कट रही है, सुनना। अब एक बात बताओ, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं सर। तो अपन ये लिख दे तो इसमें कुछ गलत है क्या बताओ? लीगल इफेक्ट में अग्रीमेंट विथ अनसाउंड माइंड इज वॉइड, कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे सुनो, हर चीज क्लियर करते हुए चलते अपन। पोजीशन दे रहा हूँ, पोजीशन मेरे को समझाना क्या होना चाहिए इसमें, और ये पोजीशन से क्वेश्चन आते हैं। पोजीशन यार ये है, अ पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, अक्सर अच्छा रहता है, एट प्रेजेंट इज ऑफ अनसाउंड माइंड। आपके सामने अभी अनसाउंड माइंड का है, आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है कि नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि एट प्रेजेंट वो अनसाउंड माइंड का है जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्लियर है बात? यस सर। सर एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, पर्सन हमेशा अच्छा रहता है, अभी आपके सामने आया है ना तो उसका दिमाग सही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है क्या? जैसे रोज मैं आपके सामने आता हूँ, साउंड माइंड का दिखता हूँ, एक दिन बोराया हुआ हूँ, पगलाया हुआ हूँ, तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो क्या? नो सर। दूसरी पोजीशन, अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, अक्सर पगलाया रहता है, एट प्रेजेंट इज ऑफ साउंड माइंड, आपके सामने अच्छा है तो बताओ? बना सकते हैं। बनाएंगे सर, पर बाद में जब पता चलेगा अनसाउंड माइंड का है तो वाइड हो जाएगा। सब बता रहा हूँ, ये क्लियर है कि नहीं है बताओ? यस सर। क्लियर है, हैंड रेस करके बताओ अनसाउंड माइंड की इतनी बातें समझ आई कि नहीं आपको अच्छे से? हैंड रेस करके बताओ, समझ आ गई? जो लॉजिकल जजमेंट दे सकता, लीगल इफेक्ट क्या है, इसके साथ किए गए अग्रीमेंट है वॉइड, पोजीशन आपको समझ आ गई। अब आप आगे सुनिए मेरी बात को अच्छे समझिए, अनसाउंडनेस होती कैसी कैसी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक? नाम लिख रहा हूं, बताना समझते हो कि नहीं समझते। सबसे पहला इडियट, दूसरा लूनेटिक, तीसरा ड्रंकर्ड, चौथा ओल्ड एज ऑब्लिक सेनाइल, पांचवा ट्रॉमाटाइज्ड। चलो पहला बताओ, इडियट समझते हैं नहीं समझते अपन? यस सर। कौन होता है? कौन होता है? लो आईक्यू सर। वेरी गुड। और सर लॉस्ट मेंटल पावर। बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। देखो इडियट का मतलब मैं आपको बताऊं ना, तो इडियट का मतलब होता है मेंटली डेफिशिएंट बाय बर्थ, मेंटली डेफिशिएंट बाय बर्थ, साधारण भाषा में मंद बुद्धि। क्या? मंद बुद्धि। जन्मजात मूर्ख को हम इडियट बोलते हैं। अब आप बताओ क्या आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, हाँ या ना? जी। नो सर। क्यों? नो सर। क्यों सर? क्योंकि वो इडियट है, क्योंकि वो मेंटली डेफिशिएंट बाय बर्थ है, मंद बुद्धि है, पैदाइशी उसका दिमाग सही नहीं है, तो कहां से बनाओगे? सही बात है। यस। लूनेटिक मतलब होता है हु गेट्स लूसिड इंटरवल, दौरे पड़ते हैं जिसको, उसको लूनेटिक बोलते हैं। इसके साथ बना सकते हो कि नहीं? जी नहीं सर। नो सर। नो सर। देखो क्या होता है, लूनेटिक जो होता है ना, उसकी पोजीशन ये कि अक्सर ये सही रहता है, बीच बीच में इसको दौरे पड़ते हैं,
तो ये पोजिशनल बात है, अगर आपके सामने एट प्रेजेंट वो अच्छा है, ओके है, साउंड है, तो आप बना सकते हैं, बट एट योर ओन रिस्क। बात सही है कि गलत है ये बताओ? सही है सर, है ना। हमेशा तो दौरा नहीं पड़ता, दौरा समय समय पर पड़ता है, इसलिए इसको लूसिड इंटरवल बोलते हैं। तो इसके साथ मे भी बनाया जा सकता है। ड्रंकर्ड हु इज अंडर एल्कोहल इफेक्ट, तो एल्कोहल इफेक्ट में तो रेशनल जजमेंट दे पाएगा क्या ये? नहीं 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 ले पाएगा। नो सर। तो जब इंसान एल्कोहल इफेक्ट में होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए क्या? जी नहीं। उसके बाद आते हैं बेटा ओल्ड एज और सेनाइल। सेनाइल या ओल्ड एज का मतलब होता है फेडेड मेमोरी, जैसे बहुत वृद्ध हो जाते हैं ना तो थोड़ा याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो आपको देखकर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, नहीं तो कल भूल गए तो आप फंस जाओगे। बात समझ आई? यस सर। और ट्रॉमाटाइज मतलब होता है अंडर सदमा या ट्रॉमा, अभी कोई भारी सदमे से गुजर रहा है, ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ तो मत करो या कॉन्ट्रैक्ट, दिमाग काम नहीं कर रहा सामने वाले का तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अब इसमें ड्रंकर्ड बारे में तो हमेशा ड्रंक नहीं हो सकता ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल के जब इफेक्ट में हो तब नहीं बना सकते, लेकिन जब वो नॉर्मल हो जाए तो बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते। इडियट ऐसा है जिसके कभी नहीं बना सकते, उसके बाद नीचे के जो चार है उनके साथ बना भी सकते हो। कितना क्लियर है? इडियट कंपल्सरीली नहीं बना सकते। बस ये क्लियर बेटा? कॉन्साउंड माइंड यहां तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है? उस टाइम जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है बना दिए, अब मेरी परफॉर्मेंस की बारी आई तो मैं बोलता हूँ कि उस टाइम तो मैं ड्रग के इफेक्ट में था, या मैं ड्रंकर्ड था, या मैं ट्रॉमा में था, अब क्या करें? केस कौन करेगा? मैं करूंगा, जो मींस जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर करेंगे। तो प्रूफ क्या होगा इससे? किसको प्रूफ करना है यहाँ? पोजीशन जान लो, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो शराब के नशे में था, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो प्रूफ आपको करना है कि मुझे करना है? मेरे को कर हाँ। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या बर्डन ऑफ प्रूफ? द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल लाई ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करेगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना मैंने शराब पी थी उस टाइम, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने उस टाइम शराब पी थी। बात समझ में आई? यस। कितना क्लियर है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, ये बताओ? पूरा आंसर सर, क्लैरिटी है अच्छे से? माइनर पूरा क्लियर है आपको? आया ना? यस सर। सभी लोग हैंड रेस करके यस सर करके बताओ, आपको ये सारी चीजें ए टू जेड क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है सर। आपको किसी प्रकार का मन और जीवन में तकलीफ, डाउट? फिलहाल तो नहीं है सर। गुड। तो हमारे दो हेड्स खत्म हो गए, तो कदम जो चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। माइनर हो गया हमारा, हमने पूरा पढ़ डाला माइनर के बारे में, नोट्स आपको अभी भेज देता हूँ। अनसाउंड माइंड अपन ने पूरा पढ़ डाला, अब कल को अपने को क्या पढ़ना है यार? एक लिस्ट पढ़नी है अपने को। क्या पढ़ना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ऐसे लोग जिनको कानून ने बोला कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लिस्ट अभी बना दे रहा हूं, कल इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आते हैं एलियन एनिमी, इसमें आते हैं फॉरेन सोवरेन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में तुमको आता है 7 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। फॉरेन सोवरेन डायरेक्ट पूछता है, एक्सप्लेन पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, फॉरेन सोवरेन। इसमें आते हैं कन्विक्ट, इसमें आती है कंपनी, इसमें आता है इनसॉल्वेंट। ये सारे लोग हैं जो लीगली डिस्क्वालीफाई हैं। इसमें आती है पर्दानशीन,
और इसमें आते हैं प्रोफेशनल। अब ये क्या है आपको मैं कल समझाऊंगा, मेरी बात समझ आई? ये लिस्ट है, इतने लोगों के बारे में कल पढ़ना है अपने, ठीक है? आज का क्लास बस इतना है क्या बेटा? आज का क्लास बस इतना ही है? आज का क्लास मेरे को अटेंडेंस लेने एक बार बस, ठीक है सर? अगर अपन की एग्जाम हो गई बोर्ड एग्जाम तो अपन को गैप मिलेगा ना? हाँ सर। फिर से बोल एक बार, क्या बोला? फिर बोल एक बार। अगर अपन का 12th का बोर्ड का एग्जाम होगा तो गैप मिलेगा ना सर? अब यार उसके लिए तुमको अभिषेक सर, सौरभ सर ही बेहतर बता पाएंगे, वैसे तो मिलना चाहिए ऐसा एग्जाम तब है। कुछ आया क्या फैसला अपनी सरकार का? सर बोले 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हो सकता है। करवाना चाहिए 20 नहीं करवाना चाहिए सर? सीजी बोर्ड का कितना अच्छा कर दिया ना, देखो ना सर, 5 दिन तक घर पर बैठ के आराम से एग्जाम दो। मेरे को ऐसा लगता है बोर्ड नहीं होगा, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है, बाकी नहीं पता, बोर्ड नहीं सर, क्योंकि सीबीएसई दो ऑप्शन दी है। हाँ। कि एक तो ओएमआर शीट में एमसीक्यू पैटर्न में मेन सब्जेक्ट्स के पेपर लो। हाँ। या तो 3 मंथ का टाइम लेके पूरा पेपर कंडक्ट कराओ। तो तुम जो तो क्या करना चाहोगे? एमसीक्यू ज्यादा ठीक रहेगा, एमसीक्यू वाला ही होगा सर। अब देखो क्या होता है, मेरे को तो उतना फ्रूटफुल नहीं लग रहा है कि 12th बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम निकल गया है। फैसला गवर्नमेंट को अप्रैल के टाइम में दे देना चाहिए था, ये लेट करने मतलब ठीक है, जो भी हो देखेंगे, जब होगा तब देखते ना यार, क्या दिक्कत है? अभी तो अपनी पढ़ाई करें हम लोग कम से कम अच्छे से, है कि नहीं? यस सर, सही है सर। दूसरी चीज ये है कि हम देखो जितना पढ़ रहे हैं आपको हर चीज एकदम परफेक्टली आनी चाहिए। आप पढ़ते हो लॉजिक के साथ समझ के करना, रटने की लॉ को कोशिश मत करना। मेरी बात समझ आ रही है? आपको कुछ नहीं आएगा 10 बार पूछना, हर चीज आपको क्लैरिटी से आनी चाहिए। अभी तक आप लोग ने टेस्ट वेस्ट बड़ा अच्छा बनाया है, मतलब मैंने जितने पेपर चेक किए अच्छा दिखे हो, पर मेरे को ये बताओ यार, जब मैंने डिफरेंस बिटवीन आपको दिया था कि आपको वैलिड और वॉइडेबल का डिफरेंस दिखना है, तो बहुत सारे लोगों ने वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस क्यों दिख दिया? मैंने तो साफ साफ क्वेश्चन में दिखा ना, वैलिड और वॉइडेबल का ही तो पूछा है क्या आपसे? बहुत सारे लोगों ने वॉइड और वॉइडेबल, yes, वो नहीं करना था ना अपने को। प्लस अगर मैंने केस रिफरेंस पहले क्वेश्चन में पूछा है तो उसमें आपको बेलफोर वर्सेस बेलफोर रीजन का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है? और आपने नहीं दिखा तो 1 मार्क कटेगा। बात समझ आ रही है? यही था ना आपका क्वेश्चन पेपर? हाँ सर। पहला डोमेस्टिक मैटर, इसमें तो तकलीफ नहीं गई होगी? नहीं। इसमें आपको सहसंबंध क्या करना था, केस रिफरेंस में बताना था कौन सा? बेलफोर वर्सेस बेलफोर। इसका मॉडल आंसर भी भेजूंगा आपको, एक बार उसको देख लेना। आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो है? बहुत सारे लोगों ने इसमें वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस समझा दिया। नहीं मैं लिखाऊं है ना। दूसरा ये सोशल मैटर है, मैक्सिमम लोगों ने सही अटेम्प्ट किया है, बोलो। एंड डोमेस्टिक है ना सर, ब्रदर है ना उसका, तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन ये मेनली सोशल मैटर है, क्योंकि इसमें आप घूमने जा रहे हो या किसी और के घर जा रहे हो तो उसको सोशल मैटर मिलते हैं, सोशल प्रैक्टिस होता है, ठीक है? आपने डोमेस्टिक भी किया तो मार्क्स मिलेंगे, पर वो बेनिफिट ऑफ डाउट है, एक्चुअल में एग्जामिनर इसको सोशल मैटर ही कंसिडर करेगा, ठीक है? ओके सर। ये अभिजीत वाला इसमें रिकॉग्नाइज करना है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। और आपने समझाया तो बाकी सही है नीचे कि आरती यहाँ पे दो ऑप्शन रखती है, क्या क्या? वैलिड बनाना और टर्मिनेट करो, या तो वैलिड करो या फिर वॉइड कर दो, है ना? डिस्टिंग्विश बिटवीन ढाई ढाई नंबर के। सर एक डाउट था, बोलो सर। मैरिज अगर वॉइड हुआ तो डाइवोर्स हुआ ना वो, एक तरीके से? कहाँ वो, ये नीचे जो मैं बोल रहा है आरती वाले क्वेश्चन में सर, मैरिज वॉइड हो गई मतलब इस मैरिज का कोई इफेक्ट नहीं रह गया, तो ये कंपनसेशन क्लेम करेगी, क्या क्लेम करेगी? और इसे इलीगल मैरिज डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? डिवोर्स नहीं, क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? मान्यता ही नहीं है, शादी अवैध है। बात समझ आई? क्लियर हुआ मैंने जो बोला भाई? इस पे प्रेशर डाला गया था, अगर ये वॉइड बोल दी ना तो मैरिज को अवैध मैरिज या इलीगल मैरिज डिक्लेयर कर देंगे,
और वैलिड पॉलिसी तो शादी चल ही रही है। डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से होता है, किससे होता है? म्यूचुअल कंसेंट। बात ध्यान रहेगी? यस सर। डिस्टिंग्विश बिटवीन ढाई ढाई नंबर के थे तो डब्बा बना के लिखे होगे टेबल में तो बहुत अच्छा है, और अगर आप पैराग्राफ में भी लिखे हो तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है? एसेंशियल तो सभी ने सही लिखा है और सारे लिखे हैं तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको इस पे कुछ पूछना है मुझसे? ये है चीजें। सैटरडे को ध्यान रखना भैया, भूलना मत, दो टेस्ट दे रहे हो, एक ऑफर एक्सेप्टेंस का, दूसरा कैपेसिटी, भूलना मत सैटरडे के लिए, ठीक है? यस सर। सर ओन लैंग्वेज में सर एक्सप्लेन कर सकते हैं ना? ओके फिर से बोल। ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, मतलब आपने तो ज्यादा एक्सप्लेन करना, बिल्कुल कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। आप टू द पॉइंट रहो, प्रोविजन को सही पकड़ो, फिर जैसे आपको एक्सप्लेन करना है करो। इवन आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, आप एग्जांपल्स भी दिख सकते हो, बस ये है कि थोड़ा टाइम बाउंडेशन होता है तो देख के करना, ठीक है? मेरी बात समझ आई? आप जितना बेहतरीन आंसर लिख सको आप लिखो, कोई बाउंडेशन नहीं है सर, है ना? ध्यान रखना, ये करो। कल मिलते हैं डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर।